हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरेन और आज के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस्तांबुल घूम सकते हैं वो भी बजट में। अगर आप ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और फिलहाल मुझे एक यात्री की तलाश है जो मेरे साथ पूरी दुनिया मुफ्त में घूम पाए। जी हाँ, मुफ्त में घूम पाए। सो अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में तो बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है और घर बैठे बैठे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं मेरे साथ, मेरी नज़रों के थ्रू, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो अब जो आपने लाल बटन दबा दिया है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस्तांबुल एक बहुत ही बड़ा शहर है और ये बाकी यूरोपियन सिटीज़ जैसा नहीं है जहाँ सब कुछ सिटी सेंटर या ओल्ड टाउन के बीच में हो। यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, इसलिए आप कहाँ रह रहे हो ये आपके ट्रैवलिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। सल्तनहमत या सुल्तानहमत यहाँ की सबसे टूरिस्ट एरिया है, इसलिए यहाँ पे रहना, खाना पीना सब कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके अलावा लोग प्रेफर करते हैं ताक्सिम एरिया के आसपास रहना, ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो पार्टी करना पसंद करते हैं। अगर आप हनीमून ट्रैवलर्स हैं तो आप गलाटा टावर या काराकोय रीजन में रह सकते हैं, और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं या बहुत दिन के लिए इस्तांबुल रह रहे हैं तो मेरे जैसे आप कैडिकोय एरिया में रह सकते हैं। मैंने अपना अपार्टमेंट 5 दिनों के लिए बुक किया है सिर्फ 4,000 रुपयों में। एंड एक चीज़ और है, अगर आप कैडिकोय एरिया में रह रहे हो तो वहाँ से हर रोज़ आप सल्तनहमत एरिया में आ सकते हो फेरी से इन जस्ट 2.6 लीरास एंड पूरे सिटी का एक पैनोरामिक व्यू इन्जॉय कर सकते हो हर रोज़। आपको कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं रहना चाहिए एंड स्पेशली सल्तनहमत एरिया में क्यों नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो मैं थोड़े ही टाइम में आगे पोस्ट ज़रूर करूँगा। अब इस्तांबुल आके आपका सबसे पहला खर्चा होने वाला है होटल ट्रांसफ़र, और होटल पहुंचने के 2 तरीके हैं। एक, आप टैक्सी ले लें, और टैक्सी के भी 2 तरीके हैं। पहला, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के बाहर निकले और टैक्सी ले लें, जो कि हो सकता है कि आप स्कैम में फंस जाएं। एंड दूसरा तरीका है कि आप बी टैक्सी ऐप डाउनलोड कर लें। बी टैक्सी ऐप बेसिकली यहाँ का ओला या ऊबर है, ऊबर भी यहाँ पर चलता है बट अनऑफिशियली चलता है, सो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दूसरा तरीका है हवाइस्ट बस लेना। हवाइस्ट बस एक 24/7 बस सर्विस है, ये हर आधे घंटे में निकलती है और एसी बस होती है ये। इसकी टोटल 16 लाइंस हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये हर जगह जाती होगी। सो आप एक बार चेक कर लें कि आपके होटल के आसपास है तो आप ये हवाइस्ट बस ले सकते हैं। मैक्सिमम 20 लीरास लगते हैं और इसके पे करने के 2 तरीके हैं, या तो आप वीज़ा या मास्टर कार्ड से पे कर सकते हो या तो आप इस्तांबुल के मेट्रो कार्ड से पे कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। इस्तांबुल में अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो। मैं टैक्सीज़ एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुल्तानहमत एरिया से ताक्सिम एरिया में कहीं जाना चाहते हो तो कम से कम 20 से 25 लीरा लगेंगे एंड प्लस बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम 5 लीरा लगेगा। ये इस्तांबुल का 6 लीरास का आता है एंड आप ये किसी में भी यूज़ कर सकते हो, चाहे फिर वो बसेज़ हो, ट्रैम्स हो, फर्निकुलर्स हो, फेरीज़ हो या मेट्रोज़ हो। एंड इनफैक्ट आप यहाँ की टैक्सीज़ में भी ये यूज़ कर सकते हो। आई टैक्सी मार्क जिसमें भी होगा आप उसमें ये कार्ड यूज़ कर सकते हो। प्लस आप बीचेज़ में एंट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो ये, एंड यहाँ के लोकल पब्लिक वॉशरूम्स में भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। 6 लीरास का टॉप अप है जैसे मैंने कहा, एंड पहले जर्नी में 3.6 लीरास लगते हैं एंड दूसरी जर्नी में एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है आई थिंक जिसमें 1.8 लीरास लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप चाहे एक दिन के लिए आ रहे हो या 5 दिन के लिए आ रहे हो, ये कार्ड लेना ज़रूरी है। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये हवाइस्ट में भी चलता है जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र होता है, सो इट्स वेरी गुड आई थिंक। अगर आपको खाना पसंद है और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो टर्की या इस्तांबुल आपके लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं खाने के कि आप थक जाओगे खा खा के। एंड मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे कबाब खाएं, शौरमा खाएं, रोल्स खाएं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ की सबसे फेवरेट डिश बकलावा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है वो। आप मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर देखोगे ये सब खाते हुए, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
पर अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्तांबुल आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट्स भी अभी यहाँ पे खुल गए हैं थैंक्स टू वीगन कल्चर, जो सब इसे आजकल अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप बेफिक्र यहाँ आ जाएं। हालांकि पूरे टर्की में मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वेज ऑप्शन ज़्यादा हैं या नहीं, बट इस्तांबुल में स्पेसिफिकली बहुत सारे वेज ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सो बिना किसी टेंशन के आप आ सकते हो। बट अगर आप पूरा टर्की घूम रहे हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अपने साथ रेडी टू ईट के डब्बे लेकर आ जाएं, या जैसे हम इंडियंस यूजुअली थेपले पराठे लेकर आते हैं अपने साथ, वो थोड़े बहुत कैरी कर लें, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ कुछ जगहों में आपको वेज ऑप्शन ज़्यादा ना मिले या वेज ऑप्शन के नाम पर सिर्फ सैलेड या ऐसा कुछ मिले। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है यहाँ पे द फेमस टर्किश चाय। मुझे पता नहीं कि फ़र्क क्या है, क्योंकि मुझे तो सेम ही टेस्ट कर रही है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ अलग तो होगा। मुझे चाय की भी नॉलेज नहीं है, इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि कुछ अलग होगा, बट दिस टेस्ट रियली गुड। इसके साथ मैंने ऑर्डर किया है फलाफल या शॉर्मा। यहाँ पे हर जगह मिल जाता है, हर दूसरी गली में आपको मिल जाएगा ये शॉर्मा। इसमें चिकन है, लेटस है, अनियन है, टमाटोज हैं, कैरेट है, पिकल्स भी है। इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये, बट एंड टेस्ट के हिसाब से डिसेंट ही है। इतना वाव नहीं है, बट इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप इस्तांबुल आ रहे हो तो आपको एक मोबाइल सिम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। एंड यहाँ पे तीन मेजर टेलीकॉम कंपनीज़ हैं। एक है टर्कसेल, जिसका कवरेज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड वो आता है 250 लीरा का फॉर वन मंथ। दूसरा है वोडाफोन, जिसका प्राइस है 150 टू 200 लीरास के बीच में। एंड तीसरा है तुर्क टेलीकॉम, जिसका प्राइस है 100 लीरास। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। एंड इसका कवरेज कितना स्ट्रॉन्ग है ये उसी ऑर्डर में है। टर्कसेल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आता है वोडाफोन, एंड तीसरा है तुर्क टेलीकॉम। अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करना हो तो कोवियत बैंक सबसे कम्पेटिटिव एक्सचेंज रेट देता है। द ओनली कैच इज कि आपको कम से कम 1000 लीरास का एक्सचेंज कराना होगा, वरना वो नहीं करते हैं। अगर आपको उससे कम पैसों का एक्सचेंज कराना है तो आप कहीं से भी करा सकते हो। टर्की में बहुत सारे एक्सचेंज रेट स्टोर्स हैं। द ओनली थिंग इसका आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके एरिया में सबसे बेस्ट रेट कौन दे रहा है। थोड़ा घूमना फिरना पड़ेगा, बस वही है, क्योंकि हर एक स्टोर का अपना अपना एक्सचेंज रेट होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज कर रहे हो तो बहुत तगड़ी कमीशन फीस लगेगी उसकी। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि लिमिटेड पैसे ही आप एक्सचेंज कराएं एयरपोर्ट से, एंड बाकी के आप या तो कोविड बैंक से कराएं या आसपास के स्टोर से करें। पूरे इस्तांबुल में, इनफैक्ट पूरे टर्की में बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं एंड म्यूजियम्स हैं। एंड अगर आप इंडिविजुअली हर एक म्यूजियम में आर्कियोलॉजिकल साइट्स जाते हो तो आप बहुत पैसे स्पेंड कर लोगे। सो इन केस अगर आप सिर्फ इस्तांबुल घूम रहे हो तो आप इस्तांबुल पास ले सकते हो, जो 220 लीरास का है। या अगर आप पूरा टर्की घूमना चाह रहे हो तो मेरे जैसे आप म्यूजियम पास ले सकते हो, जो 375 लीरास का है, 375 लीरास का है। और इसमें सारे म्यूजियम्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स कवर्ड हैं। आई थिंक टोटल 300 से भी ज़्यादा कुछ हैं जो इस पास के अंडर कवर्ड होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे पासेस भी हैं जो स्पेसिफिक रीजन्स के लिए बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अंटालिया जा रहे हो तो आप अंटालिया पास ले सकते हो, कैपिडोकिया जा रहे हो तो कैपिडोकिया पास ले सकते हो, और वो आई थिंक 3 से 5 दिन के लिए वैलिड होता है, डिपेंडिंग आप किस तरह का पास ले रहे हैं। बट अगर आप पूरा टर्की घूम रहे हो, टर्की के छोटे छोटे बिट्स हर जगह कर रहे हो, तो आप म्यूजियम पास ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी हैंडी होता है। जैसे कि इसमें पमुकले और इज़मिर, एफेसिस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो अंटालिया में है, कैपिडोकिया में है, सारे इस पास में कवर्ड हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील कि 375 में आप सारे म्यूजियम्स देख पाओगे। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे आइटिनरी में या प्लान में कुछ था नहीं, बट स्टिल क्योंकि मेरे पास म्यूजियम पास था, सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट चेक इट आउट। और इवेंचुअली मैं सारे म्यूजियम्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्री में करने लगा, बिकॉज मैं इतना ज़्यादा घूम चुका था कि मैंने 375 ऑलरेडी इस पास से वसूल कर लिए थे। एंड टर्की इज़ नोन टू बी द लैंड ऑफ हिस्ट्री, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी टूरिज्म वाले कहते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो वहाँ पर तो आपको वहाँ की हिस्टोरिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स तो करनी ही चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा जाकर। एंड
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो ये पास ले लो, नहीं तो हर एक इंडिविजुअली अगर आप ख़रीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है एंड प्लस टीडियस भी हो सकता है। इस पास का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपको पैसे ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पास होगा, आप सीधा स्वाइप कर सकते हैं एंड प्लस आपको लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। इस पास की मदद से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है अंदर जाने का। लोग इंडिविजुअली टिकट्स खरीद रहे थे और मेरे पास ये पास था तो मैं डायरेक्टली अंदर चला जाता था विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और पैसे भी कम कैरी करता था मैं, क्योंकि कुछ कुछ म्यूजियम्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स की टिकट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो दैट मीन्स आपको उतने पैसे कैरी करने पड़ेंगे अपने साथ। सो ये पूरा पैसा वसूल पास है, अगर आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये पास लेना ही लेना चाहिए। सो इसी के साथ ये वीडियो की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और स्पेशली जो टर्की जा रहे हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो सब्सक्राइब नाउ एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इसी जगह में कुछ नए स्टोरीज़ और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी हॉलीडेज़।